भाई मैं हूँ इस टाइम आइसर के पवेलियन पे। यहाँ पे इसने 4 अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एक तो मतलब कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पे ये देखो आप, ये ईवी है। थोड़ा भाई इसको वाइड एंगल पे दिखाना पड़ेगा। ये देखो भाई इसका फ्रंट प्रो 2049 वेरिएंट है, 0 एमिशन ईवी का। यहाँ पे आपको बैज मिल जाएगा, डोर हैंडल, वाइपर। ये देखो भाई इसका इंटीरियर ब्लू कलर में है इंटीरियर पूरा। टच यहाँ पे आपको ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल मिलेंगे। और भाई यहाँ पे ये इसमें इलेक्ट्रिक है तो इसलिए ये मोड्स वगैरह इसमें मिल जाएंगे। ये यहाँ पे इसका डोर पीछे से दिखा दूँ, ये जैसे बंद गाड़ी का ट्रक होते हैं छोटे वाले, सब्जी वगैरह लेकर जाने के लिए, दूध वगैरह लेकर जाने के लिए, उस टाइप का है। और भाई ये देखो इस साइड से, बाकी और दिखाऊं तो ये देखो भाई दूसरा इनका प्रोडक्ट है जो ये है हाइड्रोजन के साथ। इसमें यहाँ पे ये रखा गया है इनका हाइड्रोजन जो इंजन है, इसमें हाइड्रोजन डलेगी, टैंक है उसमें बड़े बड़े, और हाइड्रोजन से जो पावर बनेगी उस पावर के साथ डायरेक्ट जो मोटर होती है वो मोटर चलेगी। इसमें कोई भी आपको बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे है ये हाइड्रोजन का इसमें टैंक, इसके ऊपर आप कुछ भी वहाँ पे लगवा सकते हैं। और भाई ये यहाँ पे भी टैंक इसमें लगाए गए हैं, पूरा पैक है ये, इस साइड से नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ से दिख जाएंगे, अंदर इसमें ये टैंक लगे हुए हैं। अब भाई ये कॉन्सेप्ट है तो इसलिए यहाँ पे इसमें कैमरा वगैरह ये मिलेंगे, नहीं तो जब आएगा फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट आएंगे ये, उस टाइम पे भाई वैसे ही इनमें और भी मिल जाएंगे जैसे ट्रक्स वगैरह में आपने देखे होंगे, लेकिन प्रोडक्शन में अच्छा है भाई जो इन्होंने बनाया है ना ट्रक, मतलब रेडी टू यूज़ है एक टाइप से। छोटे मोटे इसमें चेंजेज होंगे जब ये फाइनल प्रोडक्शन वेरियंट आएगा। फ्रंट में यहाँ पर इसमें हेडलैम्प है, हेलोजन सेटअप है पूरा, नीचे यहाँ पर फोक लैम्प भी दिए गए हैं। लोहे का मिलेगा भाई बम्पर, क्योंकि ट्रकों में लोहे का ही मिलता है। प्रो 3015 वेरिएंट है, वाइपर वगैरह ये मिल जाएंगे, आइसर हाइड्रोजन का बैज मिलेगा, साइड वाले इसमें टर्न इंडिकेटर। वैसे इंटीरियर दिखाऊंगा आपको, ये देखो भाई इस टाइप का इसका इंटीरियर है। बीच में कोई गियर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक है, बटन्स मिलेंगे उनको प्रेस करोगे तो भाई ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रोडक्ट पे, ये है इनकी बस, ये भी ईवी है, इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी कोच। यहाँ पे आइसर ब्रांडिंग मिल जाएगी, आइसर का लोगो, तो इसमें लाइट दी गई है वो भाई हेलोजन है, छोटी छोटी सी, एक प्रोजेक्टर है, एक ये वैसे मिलेगी बल्ब के साथ, इंडिकेटर, ये DRL है, नीचे फॉग लैंप मिल जाएगी, ORVM ऊपर इतने बड़े बड़े दिए गए हैं। अब भाई इस टाइप की बसों में ऐसे ही होते हैं, इस पर आपको कैमरा वगैरह कुछ नहीं, ये भाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है प्रोडक्शन वेरिएंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, जो हाइड्रोजन वगैरह हैं वो आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। काफ़ी लंबी है, आपने वोल्वो वगैरह की बसें देखी होंगी, उसी टाइप से बस है ये, देखो भाई कितनी लंबी है। रियर प्रोफाइल दिखाऊं, ये इमरजेंसी डोर दिया गया है पीछे, यहाँ पे लाइट्स भाई ये देखो, अलग ही डिज़ाइन है। पहले क्या होता था, ट्रक्स बसेज जो होती थी इनमें सेम डिज़ाइन होता था हर एक कंपनी का, वैसे ही लाइटें होती थी, लेकिन इसमें चेंज मिलेगा। यहाँ पे सेंसर मिल जाएंगे, ऊपर आइसर की ब्रांडिंग, उधर कैमरा। अब भाई आगे वाला लास्ट प्रोडक्ट दिखाऊँ आपको, ये है इनका लास्ट प्रोडक्ट, ये है LNG कह रहा हूँ मैं, LNG लिक्विड नाइट्रोजन गैस के साथ प्रोडक्शन वेरिएंट है ये भी। ये देखो भाई इसका फ्रंट लुक, हाई सर के आगे ब्रांडिंग मिल जाएगी, बॉडी से यहाँ पे ग्रिल मिलेगी, रेडिएटर ग्रिल, LNG हाइब्रिड वहाँ पे लिखा गया। ऊपर वाइपर मिल जाएंगे, 3 वाइपर हैं भाई, काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है इसका, 3 वाइपर मिल जाएंगे। और बाकी भाई है तो मतलब पूरा इसका जो ढांचा है तो प्रोडक्शन रेडी, जो पुराना इनका कोई भी डिज़ाइन है उसमें इसको रख दिया होगा, लेकिन भाई ये हाइड्रोजन है अभी यहाँ पे नहीं चलता, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको। प्रो 8055 हाइड्रोजन का है, सॉरी नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ है ये,
और ये इसका वेरिएंट है। यहाँ पे हेडलैम्प भाई हेलोजन मिल जाएंगे इसमें, यहाँ पे इसमें फॉग लैम्प भी दिए गए हैं। अब हर सफर होगा ऑन टाइम, बहुत ही ऊंचा है भाई इसका, तो मैं इंटीरियर भी नहीं दिखा सकता। ये देखो उसको पीछे से, यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन डलेगी, लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो पीछे इसके, कोई भी ट्रोला वगैरह आपको जो भी इस पर लगाना हो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये यहाँ पे सीएनजी दिखाए गए हैं, यहाँ पे सीएनजी सिलेंडर, यहाँ पे एलएनजी और सीएनजी दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखो ये यहाँ पे जो वॉल्व दिया गया है एलएनजी और सीएनजी दोनों के इसमें ऑप्शन है। यहाँ पे सीएनजी भी है, दो तीन सिलेंडर चार सिलेंडर जो भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रक्स भाई छोटे सिलेंडर से तो काम चलता नहीं। और उस साइड आपको इसमें लिक्विड नाइट्रोजन के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पवेलियन में, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या कुछ मिलता है।